हाँ बरूची, हमने यहाँ के बहुत अच्छा किया। आने की वजह अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वजह तो वाकई बहुत बुरी थी। और मेरा तो दिल कर रहा है कि सातिर जलाल का इसी से सर फाड़ दूं। बहुत जल्द हम ये भी कर लेंगे। वैसे भी तो फैल भाई ने अपना काम तो कर ही दिया है, अब कब तक मुंह छुपाएगा। उस बंदे का पता चला जो यशम का पीछा कर रहा था? ये तो रात को दानिश से बात होगी तो पता चलेगा। या तो वो पकड़ा गया होगा या पुलिस ढूंढ रही होगी। सलाम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। बोलो बेटा। चाचा, अराज का घर पता है आपको? यही कहीं है, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से बाएं हाथ पर एक गली होगी, उसमें मुड़ जाना, फिर चलते रहना, 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता है, वही है उनका घर। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। हेलो, ये बताओ तुम्हें क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। फिर मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? उस लड़की का कुछ पता चला? हाँ। क्या? पता चल गया। इब्लीस, गुस्सा मत दिलाओ, मैं पहले ही परेशान हूँ, पुलिस मेरे पीछे है। बस जल्दी बताओ क्या खबर है। हाँ शायद। शायद? क्या मतलब शायद? देखो मेरी बात सुनो, तुफैल ने मेरी इन्फॉर्मेशन लीक करके पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया है, और अब पुलिस मुझे हर जगह तलाश कर रही है। मेरे अड्डे पर भी छापा पड़ गया है, और यहाँ तक कि मेरे बंदों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तुम उस लड़की को ढूंढ लोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा, समझ रहे हो तुम? समझ गया। क्या अजीब बंदा है, कैसा जाहिल इंसान है, मेरे मुंह पर ही फोन काट दिया। कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ फंस गया हूँ यार। अरे हबीबे, शादी तो हुई नहीं, तलाक कैसे दोगी उसे? उससे क्या होता है, मैं उसको छोड़ दूंगी क्योंकि वो मेरे लायक नहीं। ये बताओ अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? आपकी बहू दाल को चावल से अलग नहीं कर सकती, इससे ज्यादा क्या होगा दादी जान। वो लड़की तो ये भी नहीं जानती होगी कि कौन सा चावल है और कौन सी दाल। मेरी जान, खुश आमदीद। मेरो बेटा कैसा है? शुक्रिया अम्मी, आपको भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? आई हबीबे, दाल चावल और सवाइयाँ सब मिक्स हो गई हैं। क्या तुम इन तीनों चीजों को प्लीज अलग अलग कर दोगी? ये मिक्स हो गई हैं। प्लीज, मुझे पता है तुम कर दोगी। आए, जो चाहती थी कर दिया मैंने, माशाल्लाह। ए लड़की, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया दादी। लैला, मेरे साथ आना जरा।
बिल्कुल नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। मैं दूसरी बीवी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका अब आप ही कुछ करें दादी। अब क्या करूं, ये तो सब मिक्स हो गए, इनको अलग अलग मैं कैसे करूंगी? या अल्लाह, शुरू कहां से करूं? लैला, ये तुम क्या करती फिर रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फैल लैला। अच्छा अच्छा, ये एक साजिश है। कैसी साजिश? हबीबे को इतना तंग करना है कि वो इन सबसे तंग आकर भाग जाए अपने घर। और कहाँ तक पहुंची? बस एक हफ्ते के अंदर अंदर वो वापस चली जाएगी। तुम्हारे प्लान का क्या बना? मेरा कौन सा प्लान? सातिर जलाल को पकड़ने का प्लान और कौन सा प्लान? उसका काम तमाम हो गया, अब बस वो पकड़ा भी जाएगा। ये हुई ना बात, बहुत खूब। अब पता चला होगा उसे कि किससे पंगा लिया है, उसने सारी जिंदगी याद रखेगा। उसने कभी अपनी बेटी की शक्ल देखी है? कॉकरोच जैसी शक्ल। उसने सोचा भी कैसे मेरे इतने प्यारे भाई से उसकी शादी हो सकती है? उसका इससे भी बुरा हाल होना चाहिए था, हमसे पंगा लिया उसने। ओ लैला, तुम भी ना सच में। तुम अगर मेरे साथ ना होती तो मेरा क्या होता लैला? मामा, होमवर्क में मेरी मदद कर देंगी ना प्लीज? अभी आती हूँ मामा की जान। क्या तुम्हें लगता है कि हम इन लेटर्स की मदद से अम्मी को ढूंढ पाएंगे? क्या ये सब कुछ करना सही होगा? यार, हमारा मकसद तो यही है, इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। हाँ, हम ढूंढ लेंगे, फिर उनसे मिलके सारे शिकवे दूर कर लेना। डेफने, तुम्हें मैं एक राज की बात बताऊं क्या? हाँ। अरे रुको रुको रुको, वो पहाड़ों वाली बातें वो सब मजाक था, प्लीज भूल जाओ। अरे डेफने यार, मुझे तुम्हें एक राज बताना है, कम से कम वो तो सुन लो तुम। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मेरी बात तुम्हें शायद अजीब लगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सीरियस हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ फिर, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बतानी है? फर्ज करो कि हम मम्मी को ढूंढ लेते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि वो बेकसूर हो, उनके पास हमें छोड़ के जाने की कोई ना कोई वजह हो, लेकिन वो वजह इतनी बड़ी हो कि कुछ सोचे समझे बगैर हम उन्हें माफ कर दें। मैंने सोचा है कि मैं अम्मी को हर हाल में माफ कर दूंगी वैसे, लेकिन कोई ऐसी वजह होनी चाहिए जो सुन के भाई भी उन्हें फौरन माफ कर दें। ख्वाब में ही होगा। हकीकत में भी होगा। क्या मैं अपने ख्वाब में एक और चीज सोचूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं यशम। तुमसे एक और बात कहूं क्या? अम्मी हमारी शादी से पहले मिल जाए, ताकि फिर वो मेरे सबसे खास दिन पास हो। कितना अच्छा लगेगा ना अगर ऐसा हो जाए तो। यार, अरे ऐसा बिल्कुल होगा यार, इंशाल्लाह। ओह इंशाल्लाह, हाँ होगा। डेफने, क्या हो गया? हाय, अरे वो मेरी शादी में सिर्फ एक महीना रह गया, बल्कि उससे भी कम। ये 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, अरे 27 दिन रह गए सिर्फ। और
इधर बैठ के अपनी अम्मी के ख्वाब देख रही हूँ जो कि पता नहीं किधर है दुनिया में। हकीकत में आओ डेफने, हकीकत में आओ मेरी जान। कौन सी हकीकत? शादी के कपड़े भी लेने हैं, शादी का हॉल सेलेक्ट करना है, खाना वगैरह देखना है, ड्रेस सेलेक्ट करना है, इवेंट प्लानर वगैरह, शादी का हॉल, पता नहीं क्या कुछ नहीं करना है मुझे। जैसे कि मेहंदी की रात। हाँ, मेहंदी की रात बहुत मजा आने वाला है, उस रात को भी रिवायती जोड़ा पहनो। ठीक है यश, पहन लेना। डेफने, हाँ? शायद तुम ना मेरी परेशानी समझ नहीं पा रही हो बिल्कुल भी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि इन सब चीजों की तैयारी में कितना टाइम लगता है। हाँ, और मेरे पास सिर्फ 27 दिन बचे हैं। देखो, और हम ना यहाँ पर 27 मिनट भी नहीं रुक सकते, ठीक है? चलो जल्दी करो, जल्दी 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 निकलना होगा हमें यार यहाँ से। हाँ यशम, कह तो ठीक रही हो, क्योंकि हम यहाँ पर वो बॉक्स ढूंढने आए थे ना, फिर हम यहाँ पर क्यों हैं? हाँ, भाई भी तुम्हें बात करने के लिए लाए थे, वो भी हो गया है, अब तो अब क्यों रुके हैं? हाँ, सब काम तो हो गए हैं, तो वापस चलना चाहिए हमें। बिल्कुल, चलो। सही, समझ नहीं आता, आम इंसानी तो है। हाँ, आम इंसानी है, बिल्कुल आम, आम सी ही बॉडी है इनकी, कोई खास बात थोड़ी है इनमें। हाँ, लेकिन अंदर की खूबसूरती ज्यादा मायने रखती है। बस यही वजह है कि मैं यालन पे मर मिटी हूँ। मुझे तो सिनान की रूह से पहली मुलाकात में मोहब्बत हो गई थी, उसके अलावा मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। हाँ, अगर मैंने इसे ऑफिस में उस दिन नहीं देखा होता ना, तो मैं इससे बात करना भी पसंद नहीं करती, और कुछ नहीं पसंद मुझे। समझ रही हूँ, इंसान कैसे नजर हटाले। हाँ, स्पेशली जब आपके सामने एक शर्टलेस हसीन लड़का खड़ा हो। हाँ, अगर ये इतना प्यारा, ताकतवर और खूबसूरत ना होता तो मैं इसे देखना भी पसंद नहीं करती। यशम, इतना झूठ बोलोगी तो गुनाह मिलेगा और तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। चलो, इन्हें देखते ही नहीं है। हाँ मेरी जान, यही अच्छा आइडिया है, हम इनको देखते ही नहीं है बिल्कुल। मेरे तीन तक गिनने तक देख लो। थ्री। शादी का जोड़ा, दावत है, फोटोग्राफर, इवेंट प्लानर और इस्तांबुल। खुशाम दीदा, कल बाय बाय प्यार। बस करो, अब ये सब कुछ छोड़ दो, हम वापस जा रहे हैं इस्तांबुल अब। क्या? कोई बात बनी क्या? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। एक तो ये इतनी जिद्दी है कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं समझा पा रहा हूं। इस्तांबुल के बारे में कुछ पता चला? नहीं। दानिश, कैसे हो तुम? ठीक हो? ठीक हूं। वापस आने की जिद कर रही हैं दोनों? अरे मत पूछो यार, जिद पकड़ी हुई है दोनों ने। कुछ तो करना पड़ेगा भाई, यहाँ भी हालात बेहतर नहीं है वैसे। सातिर और इबलीस अभी तक नहीं पकड़े गए, उनका कुछ मालूम नहीं। हाँ हाँ, करते हैं हम कुछ। कोई अपडेट मिले तो बताना। हाँ जाहिर है,
चलो अल्लाह हाफिज। बांध के रखें क्या दोनों को? उसके लिए तो पहले डैफने का मुंह बंद करना होगा, वरना वो तो चिल्ला चिल्ला के ही सबको जमा कर लेगी। ये तो सोचा ही नहीं, ऐसे तो खुद ही फंस जाएंगे। हाँ, और उसके बाद उसका मुंह भी हमें ही खोलना पड़ेगा। उफ 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 उफ, उसके बाद तो चुप भी नहीं होगी वो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता, रहना तो मैंने है ना अब उसके साथ। नहीं भाई, कुछ और सोचो, डैफने को नहीं बांध रहे हैं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। सही कह रहे हो, लेकिन कुछ तो करना होगा ना यार, कुछ सोचो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। सच बताकर देखें। दिमाग खराब हो गया है क्या? और सोचो कि अगर बता भी दे तो क्या बताएंगे कि एक आदमी यशम की जान के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन सच तो यही है ना। कैसी बातें कर रहे हो, क्या उसको जानते नहीं हो? उससे दिल का दौरा पड़ जाएगा। जानता हूँ, तभी कह रहा हूँ मेरे भाई, उनके सर पे वापस जाने का भूत सवार है, अब वो चुप नहीं बैठेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, गार्ड रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हो गया तो मेरी नजर में तो सब कुछ बता देना ही बेहतर रहेगा। ओह ओह, ठीक से पकड़ो। अरे ये क्या जिद है यार, सिन्हा ने की बात के पीछे पड़ा हुआ है कब से। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस घर में इतना अच्छा है क्या जो वो यहाँ रुकने पर तुला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इतने सारे काम पड़े हुए हैं मगर जरा फिक्र नहीं, बिजनेस में लॉस होगा तो पता चलेगा। शादी की कितनी तैयारियां हैं इन्हें अंदाजा ही नहीं। अरे इन्हें तो बस एक ही काम है कि सुबह दोपहर शाम हमारे साथ ऐसी किसी जगह पर वेकेशंस मनाते रहें, और हर वक्त आशिकी की बातें, आशिकी के गाने, आशिकी की हरकतें, दुनिया को भूलकर अपनी दुनिया में मगन रहते हैं ये दोनों। अरे हाँ यार, और नहीं तो क्या, सड़ी सी जगह है बिल्कुल, मतलब कि जहाँ बहुत ज्यादा दिन रुकने का दिल छुप जाए बस, फिर ध्यान से निकलेंगे हम दोनों। अरे यशम, लेकिन हम जितनी भी कोशिश कर ले हम पकड़े ही जाएंगे। अगर किसी तरीके से हम लोग यहाँ से निकल भी जाए ना तो ये बैग जरूर देख लेंगे वो लोग। मतलब कितना बड़ा बैग है, लेके ही नहीं जा सकते हम यहाँ से, पता नहीं क्या करेंगे। सही कहा। यशम मेरी जान, मेरे पास इन लेटर्स के साथ यहाँ से निकलने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। देखो हम इस बॉक्स को यही छोड़ देते हैं और लेटर्स ले जाते हैं। डैफने की आइडिया तुम्हें पहले क्यों नहीं आया मेरी जान, इतना अच्छा आइडिया। चलो चलो इसको निकालो, और ऐसा करो लेटर्स निकालो, जो भी चीज नहीं है ना वो सब कुछ यहाँ छोड़ दो, ये ठीक रहेगा। संभाल लो, रख लो। कितनी मेहनत से लेटर्स जुड़े। मेरी जान, यशम ये कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। अरे ये तो अम्मी, मेरी अम्मी, कितनी छोटी लग रही है तुम्हें। वो बिल्कुल याद नहीं है, बस मेरे जहन में उनकी हल्की सी झलक है। और उनके साथ उनके भाई हैं क्या? दोनों का सरनेम तो सेम है, हो सकता है। इस पे किसी क्लिनिक का नाम लिखा हुआ है यार, हो सकता है कि ये अभी भी वहीं पर डॉक्टर हों। ये जिस क्लिनिक का नाम है डैफने, हम इस वक्त जहां खड़े हैं इसी सरहद के अंदर ये क्लिनिक है क्या? यशम, क्या तुम भी वही सोच रही हो? हाँ हाँ, हम लोग रुक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और कल हम यहां जा रहे हैं। डैफने, मैं सोच रही थी कि मेरे पास अगर शादी का कार्ड होता तो मैं इन्हें दे देती थी। इतनी प्यारी है ना मेरी अम्मी। हाय, हाउ स्वीट ऑफ यू। देखो तो जरा तस्वीर। हम लोग नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है, अब हम लोग बताते। इसने कहा हम नहीं जा रहे, मैंने भी यही सुना।
और क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आप लोग भी तो ये चाहते हैं। तो फिर? बस फिर डिसाइड हो गया, हम नहीं जा रहे हैं। आ जाओ ऋषभ, गुड नाइट। सच बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तो जाने की रट लगाई हुई थी ना, अब ये क्या हुआ तुम दोनों को अचानक? मैंने बहुत सोचा सिनान, और फिर मैंने अपना फैसला बदल लिया। ये सच कह रही है, मैं अब पुरानी वाली यश नहीं रही, बदल गई, समझदार हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी अब आंखें खुल गई हैं। खुल गई हैं। मुझे एहसास हो गया है कि मैं जहाँ हूँ ये जरूरी नहीं है, किसके साथ हूँ ये जरूरी है। मतलब मेरा क्या है, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, हो सकता है कि मेरे कपड़े ही न सिल के आए, कुछ भी हो सकता है, जैसा नसीब, बस क्या कर सकते हैं। अच्छा बस करो यशम जान, ड्रामा उतना ही करो जितना यकीन कर ले। चलिए खैर, डिसाइड हो गया है ना। अच्छा चलिए अब हम चलते हैं, बहुत नींद आ रही है, कल मुलाकात होगी। बाय। अरे बंद करो अपने ड्रामे। अब सच सच बताओ कि क्या बात है, अचानक क्यों रुक रहे हो तुम दोनों? आप लोगों को सरप्राइज देना चाहते थे हम दोनों। क्या सरप्राइज है? कौन सा सरप्राइज? सरप्राइज है, बता देंगे तो फिर किस चीज का सरप्राइज बाकी रह जाएगा? हम तो रुकना चाहते हैं यहाँ पर। हाँ मगर आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो हम भी रेडी हैं। ऑलराइट, जा रहे हैं हम दोनों अपना सामान पैक करने के लिए। अगर यही बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है मेरी जान, ठीक है, जाओ करो सरप्राइज की तैयारी। चलो हम दोनों जा रहे हैं सोने के लिए, तुम लोग भी टाइम पे सो जाना। अल्लाह हाफिज तुम दोनों को, शब्बा खैर, जाओ। चलो सोना नहीं है तुमने? अरास, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। हबीबे देखो वहां से भी करो जल्दी। मैंने उस जगह से 7 बार कर लिया है। क्या मतलब तुम्हारा, 8वीं दफा कर लोगी तो क्या मौत आ जाएगी तुम्हें? नहीं अभी कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तुफैल। सुबह सुबह क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, सुबह से काम ही चल रहे हैं यहाँ पर। हबीबे का बहुत दिल कर रहा था कि कपड़े इस्त्री कर दे, बहुत जमा हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे जमा हो गए थे। लगता है बहुत गुस्से में आ गई है वो। मत करो इतना जुल्म उस बेचारी पर। बस भी कर दो, जब मैं तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ तो हबीबे का गुस्सा कुछ नहीं। अच्छा मेरा गुस्सा हैंडल कर लिया तो हबीबे को खातिर में ही नहीं लाती हो। हाँ सही बात है, देखो ना क्या बना दिया मैंने तुम्हें। क्या बना दिया? कुछ भी नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इंतजार कर लो मेरे वापस आने तक के लिए। अल्लाह ही पूछेगा तुम्हें तो तुफैल, पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हो। खैर मैं कहाँ थी? हाँ अभी तो इस पागल के साथ देखो मैं और क्या क्या करती हूँ, वापस भगा के ही दम लूंगी। बात सुनो, अपनी आंखें खुली रखो और दोबारा लैला की बातों में आने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? समझ गया भाई। गुड, वो दोबारा कुछ करेगी लेकिन तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें नौकरी से फारिग कर दूंगा, सुन लो अच्छी तरह।
आप प्लीज अंदर चली जाए। मुझे कहीं काम से बाहर जाना है, चलो मेरे साथ। वैसे भी बहुत देर हो गई है, मुझे टाइम वेस्ट मत करो। नहीं मैडम, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन तुफैल भाई ने मना किया है। भाड़ में डालो तुफैल को, मेरी बात मानो। मैडम, मेरी नौकरी का सवाल है, तो मान जाए, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। क्या होगा तुम्हारी नौकरी को? कुछ भी नहीं होगा, समझे तुम? और वैसे भी क्या तुम अपने तुफैल साहब को जानते नहीं हो? वो इतने सख्त दिल नहीं है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दे। हाँ हाँ, वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद कहा है मुझे। तो फिर क्या कहना चाहते हो कि वो एक जालिम इंसान है, नाशुक्रिया आदमी? मैडम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने नहीं कहा, ये तो तुम कह रहे हो। तौबा मैडम, मैंने ऐसा कब कह दिया? कहा नहीं, लेकिन मतलब वही था। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखें तो फैल भाई से ऐसा कुछ मत कहिएगा, वरना वो नाराज हो जाएंगे। बात सुनो, वो एक ऐसे इंसान को क्यों निकालेगा जो अपने काम में इतना अच्छा है, सच बोलता है, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलता, हर काम ईमानदारी से करता है। मैडम आप तो जानती हैं, तुफैल भाई मुझे निकाल देंगे। क्या मैडम मैडम कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हें निगरानी करने के लिए रखा है, लेकिन वो तुम्हें निकालेगा नहीं नौकरी से। जानती हूँ उसे, और अगर निकाल भी दिया तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगी कहीं। मैं भी उस जल्लाद इंसान की बीवी हूँ, वो मुझे जानता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब चलो, अब जल्दी करो, देर हो रही है, गाड़ी में बैठो। सोते हुए तो देखने दो ना, सुबह से उसकी शक्ल तक नहीं देखी है मैंने। हाँ, हम तो जैसे हमेशा के लिए जा रहे हैं। एक काम करो, जब तक वो सो रहे हैं उनके पास जाके बैठ जाओ। तौबा है यार, उनके जागने से पहले आ जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हम वापस भी आ जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह डेफने, इंशाल्लाह। चलो अब चलो। डेफने, वो देखो वहाँ मेरा सिनान आ रहा है। माशाल्लाह, सुबह सुबह कितना प्यारा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। यशम, इन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। चलो एरोबिक्स स्टार्ट करते हैं। एरोबिक्स करने का कह रही हो, तुमसे करो ना। एक दो तीन, याल्ला। जब भी काम से निकलते हैं मसला हो जाता है। चार पाँच छह, समझदारी इसीलिए है कि हम एरोबिक्स करते रहें, क्योंकि अगर उन्हें शक हो गया तो दौड़ लगानी पड़ जाएगी। अब इस तरफ, वेकेशंस में कौन जागता है इतनी जल्दी। ओहो, गुड मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह। एक गुड मॉर्निंग बेबी, दो कैसे हो तुम, तीन बहुत याद आ रही थी मुझे तुम्हारी मेरी जान, चार मुझे भी याद आ रही थी। और ये तुम दोनों कर क्या रहे हो सुबह सुबह यहाँ? टू वन, कितनी प्यारी सुबह है ना। टू वन, मौसम भी कितना प्यारा है। टू वन, एक्सरसाइज भी अच्छी हो रही है हमारी। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो भी यही करते रहो, मैं जा रहा हूँ वॉकिंग पे, ठीक है मेरी जान। हाँ? मैं भी चल सकती हूँ क्या तुम्हारे साथ? हाँ हाँ हा, चलो ना। हाँ चलो, साथ चलते हैं मेरी जान। आजा आजा आजा, चलो मेरी जान। यशम, कितनी बार कहा, पूछा मत करो, ऐसे आ जाए करो साथ। यशम रुको प्लीज, यशम यशम यार, हमारा प्लान था ना आज तो। डेफिने, अब किस पे गुस्सा है? किसी पे नहीं, क्या क्यों ना हम चल के नाश्ता बनाए। हाँ क्यों नहीं, चलो। है? मेरी जान पहले आप जाइए। तुम मेरे साथ आखिर इतने अच्छे कब से हो गए आलन जान? चलो। मैं तो अच्छा ही हूँ, बस तुम ही बॉयफ्रेंड की कदर नहीं करते। अच्छा तो जनाब, इतनी बुरी हूँ क्या मैं? सिर्फ बुरी नहीं, नाशुक्री भी हो। अच्छा बाकी बातें बाद में, क्योंकि मुझे भूख लग रही है।
तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जान को भूखा रहने दूंगा? अभी बनाता हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। हाय मशा जी पिया। टेडी बेयर का असली मतलब तो रीच ही होता है ना। प्यार से बुलाया था, ये तो रियल में भालू बन गया है। ओह हाय। कुछ कह रही हो क्या? जरा ऊंचा बोलो। मेरी मिसाल में कुछ कहूँ? ठीक है फिर, मैं नाश्ता बनाता हूँ। यार यार, ये जो तुमने सारे का सारा किचन गंदा कर दिया है ना, मैं इसे साफ नहीं करूंगी, पहले ही बता रही हूँ। जो गंद तुम फैला रहे हो खुद ही साफ करोगे। मेरे काम के बीच में तुम मत बोलो, ठीक है? ठीक है, लेकिन हर काम करने का एक तरीका होता है, शायद तुमने सुना हो। डस्टबिन नाम की एक चीज होती है जिसमें कचरा फेंकते हैं। और एक चीज होती है लड़ना, कभी सुना है क्या तुमने? डेफिने, मैं तुमसे लड़ नहीं रही, मैं तो बस कह रही हूँ कि प्लीज किचन को गंदा मत करो तुम। मैं किचन गंदा कर रहा हूँ? हाँ हाँ। यालन, देखो बात सुनो, देखो प्लीज ये नहीं करो, ठहरो। किचन गंदा करना ये होता है मेरी जान, समझ गई? अच्छा तो ये बात है। अरास, और ये क्या हरकत है डेफने? यही ऐसे काम करवाती है मुझसे। तुम्हारी बहुत याद आती है डेफने, इस्तांबुल में होते तो साथ सोते। क्या ये दोनों इतनी रात को बातें करते हैं? खुश आमदीद उस्मान अंकल। आपको बताया है कि सातिर अब तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन हम मुसलसल उसके पीछे लगे हुए हैं। सबर का फल मीठा होता है मैलिक। जशन, तुम्हारी वजह से इतनी लकड़ियां काट दी है मैंने। जशन,